हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार वाले प्रश्नों में लुप्त स्थानों को भरना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं और परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, उनको कैसे भरते हैं। तो यहाँ दिया है 7, यहाँ दिया है 16, यहाँ दिया है 34, यहाँ दिया यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ 142, यहाँ 284। तो हमें यह रिक्त स्थान भरना है। तो दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि 7 के बाद 16 कैसे आ गया। तो अगर 7 का गुणा 2 से करें, 7 दूनी 14 और इसमें 2 जोड़ दें तो 16 आ जाएगा। अगर अब देखेंगे 16 के बाद 34 कितना आ गया, तो 16 गुणा 2 से करें तो कितना होता है 32 और इसमें हम 2 जोड़ें तो कितना आ जाएगा 34। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इस रिक्त स्थान को भरेंगे। अगर हमें 2 से गुणा करने पर और 2 जोड़ने पर 142 और 284 प्राप्त हो होती है तो हमारी ट्रिक सही है। तो दोस्तों, 7 गुणा 2 और इसमें कितना जोड़ेंगे 2, तो 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16। अब हम 16 गुणा 2 और इसमें जोड़ेंगे 2, तो 16 दूनी 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34। अभी तो सही चल रही है। अब 34 गुणा 2 और इसमें कितने जोड़ेंगे 2, तो 34 दूनी 68, 68 में 2 जोड़ेंगे तो 70। अब 70 गुणा 2 और प्लस 2, तो 70 दूनी 140 और प्लस 142। अब 142 से 2 से गुणा करें तो 142 गुणा 2 और इसमें 2 जोड़ेंगे, 142 दूनी 284 और इसमें 2 जोड़ें तो 286। तो हमें सभी संख्याएं प्राप्त हो गई, तो हमारी रिक्त स्थान हुआ क्या भरा जाएगा 70। तो यहाँ भरेंगे हम 70, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो दोस्तों, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया है हमें, इसके भी हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो इसमें देखेंगे कि 5 यहाँ क्या दिए 12, तो 5 गुणा 2 से करेंगे तो 10, 10 में 2 जोड़ें तो 12, तो 5 गुणा 2 और इसमें क्या जोड़ेंगे 2, तो 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। अब 12 का गुणा 2 से करेंगे और प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे 2 ही जोड़ेंगे, तो 12 दूनी 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26। अब 26 का गुणा 2 से करेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे, 26 दूनी 52, 52 में 2 जोड़ेंगे तो 54। अब 54 गुणा 2 से करेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे, 54 दूनी 108 और 108 में 2 जोड़ेंगे तो 110, 110 का गुणा 2 से करेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 110 दूनी कितने आएंगे 220, 220 में 2 जोड़ेंगे तो 222। हमें सभी संख्या प्राप्त हो गई, तो हमारा रिक्त स्थान पर संख्या कौन सी आएगी 54, क्योंकि ये संख्या हमें मिली नहीं है। तो इस रिक्त स्थान पर क्या भरेंगे हम 54, तो 54 हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, तो इसमें देखेंगे कि यहाँ क्या लगा है 1 2 और इसमें देखेंगे यहाँ क्या लगा है 5 6 और 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 एक ही क्रम में लिखे हैं। और याद देखें 16 17 18 19, लेकिन यहाँ रिक्त स्थान खाली खाली है, यहाँ क्या लगा है 15। तो इसमें देखेंगे छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ क्या आ गई 14 15, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 14। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।